सभी को नमस्कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा आठ के अंतर्गत बेस लाइन मूल्यांकन जो कि पेज नंबर एक दो तीन चार पर है आइए हम शुरू करें इससे पहले चैनल पर नए हैं लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी हल आपको मिलते रहें प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन पहला शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखिए पहला पचास हज़ार छः सौ निवासी इसको हम अंकों में लिखेंगे पचास हजार छः सौ निवासी दूसरा है तीस हजार पाँच सौ बानवे इसका तीस हजार पाँच सौ बानवे ऐसे लिख देंगे अपन अंकों में अड़तालीस हज़ार सात सौ बीस अड़तालीस हज़ार सात सौ बीस प्रश्न नंबर दो अंक तीन सात नौ पाँच एक से पाँच अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए सबसे बड़ी बनेगी इसमें जो बड़ा है उसको पहले आ जाएगा नौ सात पाँच तीन एक ऐसे लिख देंगे ये हो जाएगी सत्तानवे हज़ार पाँच सौ इकतीस और सबसे छोटी होगी तेरह हजार पाँच सौ उन्यासी प्रश्न नंबर तीन नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए ये संख्या दे रखी है हमें इसको घटते क्रम में लिखेंगे सबसे बड़ी पहले आ जाएगी सबसे बड़ी है छिहत्तर पाँच सौ बत्तीस इसके बाद पिचहत्तर छः सौ बत्तीस सनसठ पाँच सौ बत्तीस पैंसठ सात सौ सैंतीस और छप्पन सात सौ बत्तीस आ जाएगी प्रश्न नंबर दो <स्थाथ> इसमें आएगी जो बड़ी है वो सबसे पहले लिखेंगे जैसे ये बड़ी है निन्यानवे हज़ार नौ सौ निन्यानवे ये पहले आ जाएगी इसके बाद आएगी निन्यानवे नौ सौ अट्ठानवे निन्यानवे नौ सौ निवासी अट्ठानवे आठ सौ निन्यानवे अट्ठानवे आठ सौ निवासी प्रश्न नंबर चार दी गई बिन को चित्र द्वारा छायांकित बाग से दर्शाइए अब ये बिन दे रखी है दो बटा तीन चित्र बनाएंगे हमें एक बॉक्स उसमें तीन खाने बनाएंगे और दो को काला कर देंगे छायांकित तो ये हो जाएगी दो बटा तीन इसी प्रकार अगला देर का हमें एक से ही एक बटा दो एक चित्र बनाएंगे उसमें एक बॉक्स पूरा काला हो जाएगा और एक होगा दो बॉक्स उसमें एक काला पूरा और एक में आधा काला एक से ही एक बटा दो प्रश्न नंबर तीन तीन बटा पाँच एक चक्री बनाएंगे उसमें पांच भाग बनाएंगे और तीन को काला देंगे एक दो तीन और दो सफ़ेद रह जाएगा तीन बटा पाँच हो जाएगा प्रश्न नंबर पाँच नीचे दी गई बिन की चार चार तुल्य बिन लिखिए पहला दो बटा पांच इसकी तुल्य बिन होगी चार बटा दस छः बटा पंद्रह आठ बटा बीस और दस बटा पच्चीस ऐसे भी देख सकते हैं अपन ऊपर दो का पहाड़ा चल रहा है और नीचे पाँच का पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस इसी प्रकार एक बटा तीन का भी ऐसा ही होगा एक दो तीन चार पाँच ऊपर आ जाएगा छः नौ बारह पंद्रह दो बटा छः तीन बटा नौ चार बटा पंद्रह चार बटा बारह और पाँच बटा पंद्रह लिख दें प्रश्न नंबर छः हल कीजिए रमेश के खाते में सात हजार चार सौ अड़तीस रुपये हैं उसने इनमें से दो हजार आठ सौ पचास रुपये निकाल लिए तो बताइए बताओ अब रमेश के खाते में कितने रुपये बचे तो सात हज़ार चार सौ अड़तीस में से दो हज़ार आठ सौ पचास बाकी निकालना है यह आ जाएगा चार हज़ार पाँच सौ अट्ठासी रुपये उत्तर आ जाएगा पाँच चार हजार पाँच सौ अट्ठासी रुपये कुल बचे प्रश्न नंबर सात देखते हैं हल कीजिए एक शर्ट का मूल्य तीन सौ पैंसठ रुपये हैं तो बताओ अठारह शर्टों का मूल्य कितना होगा तो इसमें आ जाएगा एक शर्ट का पैंसठ है तो तीन सौ पैंसठ को अठारह से गुना करेंगे उत्तर आ जाएगा छः हजार पाँच सौ सत्तर रुपये प्रश्न नंबर आठ धीरज ने पंद्रह कॉपियां दो सौ दस में खरीदी और बताओ उसने एक कॉपी कितने मूल्य में खरीदी तो दो सौ दस में पंद्रह का भाग लगाएंगे देखिए लगा के भी देख लेते हैं एक बार गया पंद्रह आया पंद्रह इक्कीस में से पंद्रह बाकी निकाले छः उतारा जीरो चार बार गया पंद्रह चौक साठ उत्तर आएगा चार चौदह सॉरी चौदह आ जाएगा उत्तर यहाँ प्रश्न नंबर नौ संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर स्थान की पूर्ति कीजिए अब देखिए इस ग्रिड में हम पैटर्न पहचानते हैं दो और चार इनको जोड़ा छः हो गए यहाँ आठ और पाँच को जोड़ा तेरह हो गए तो चार और पाँच को जोड़ेंगे नौ फिर छः और नौ को जोड़ा पंद्रह तेरह और नौ को जोड़ा बाईस पंद्रह और बाईस को जोड़ा यहाँ सैंतीस आ जाएगा इसी प्रकार पाँच और चार को जोड़ा गुणा किया पाँच को चार से गुणा बीस चार को छः से गुणा किया छों का चौबीस छः को तीन से गुणा किया अट्ठारह बीस को चौबीस से गुणा किया चार सौ अस्सी चौबीस को अट्ठारह से गुणा किया चार सौ बत्तीस और 480 को 432 से गुणा किया तो ये आ जाएगा इकादाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख एक लाख उनसाठ हज़ार तीन सौ पचास प्रश्न नंबर तीन एक को आठ से गुणा किया और एक जोड़ना उसमें एक को आठ से गुणा किया आठ एक जोड़ा इसमें नौ बारह को आठ से गुणा किया बारह आठ छनवे और दो जोड़ना है अट्ठानवे इसी प्रकार एक सौ तेईस को आठ से यहाँ देखो एक आ रहा है यहाँ एक दो आ गया यहाँ एक दो तीन को आठ से और फिर तीन जोड़ना है नौ सौ सत्तासी एक दो तीन चार आ जाएगा यहाँ एक हज़ार दो सौ चौंतीस को आठ से गुणा किया फिर चार जोड़ा नौ हज़ार आठ सौ छिहत्तर तो यहाँ आ रहा है एक दो तीन चार पाँच यानी बारह हज़ार तीन सौ पैंतालीस इसको आठ से गुणा किया और इसमें फिर पाँच जोड़ा तो ये हो जाएगा अट्ठानवे हज़ार सात सौ पैंसठ प्रश्न नंबर दस एक टंकी में 500 लीटर पानी भरता है तो बताइए 15 टंकियों में कुल कितने लीटर पानी आएगा तो 500 को 15 से गुना करना है तो इसका उत्तर आ जाएगा 7500 लीटर प्रश्न नंबर 11। सत्य असत्य सही का चिन्ह लगाइए एक किलोग्राम शक्कर 500 ग्राम शक्कर के दो पैकेट सत्य दो घंटे में 120 मिनट होते हैं सही है एक घंटे में साठ मिनट दो में 120 सत्य दस रुपये के पाँच नोट सौ रुपये ये गलत है क्योंकि दस रुपये के पाँच नोट पचास ही होते हैं यहाँ असत्य पे राइट लगाएं दो किलोग्राम पाँच सौ ग्राम बार को ढाई किलोग्राम भी कहते हैं ये सही है सत्य पे राइट लगाएं आठ व नौ में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर बेहतर हो जाए तो इसमें गुणा कराना है आठ को नौ से गुणा करा दो बेहतर आ जाएगा गुणा भी लिख सकते हैं यहाँ प्रश्न नंबर तेरह बारह बटा पंद्रह के तीन समाज समान गुणज लिखिए बारह और पंद्रह दोनों के बारह के हो गए बारह का पावड़ा लिख दो आगे बार दो चौबीस बार बारिया छत्तीस बार चौक अड़चास और पंद्रह में आ जाएगा पंद्रह दो तीस पंद्रह ती पैंतालीस पंद्रह चौक साठ आगे भी आप लिख सकते हो बारह और पंद्रह के तीन समान गुणज हैं साठ एक सौ बीस और एक सौ अस्सी आ जाएगा यहाँ प्रश्न नंबर चौदह दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए पाँच बटा दस को लिखेंगे जीरो दशमलव पाँच देखिए जीरो हटते ही यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा एक जीरो है तो इसी प्रकार चार बटा आठ को अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा दो एक बटा दो यानी आधा जीरो पॉइंट पाँच प्रश्न नंबर पंद्रह स्थानों की पूर्ति कीजिए देखिए पंद्रह में तीन का भाग लगाना यहाँ पाँच आ जाएगा नौ में तीन का लगाया यहाँ तीन आ जाएगा इसी प्रकार तीन को चार से गुणा किया बारह और पाँच को चार से गुणा किया बीस आ जाएगा प्रश्न नंबर सोलह संख्या छियालीस हजार सात सौ तिरासी में अंक छः व तीन का स्थानीय मानों का कितना योग कितना होगा तो अंक छः का स्थानीय मान का योग होगा छः हजार तीन का स्थानीय मान का स्थानीय मान होगा तीन तो छः हजार और तीन दोनों को जोड़ेंगे दोनों का योगफल आएगा छः हजार तीन प्रश्न नंबर सत्रह देखते हैं <coughs> खाली स्थान में पैटर्न देखकर संख्या भरिए अब इसमें पैटर्न हमें पहचानना है या देखिए दो को तीन से गुणा किया छः चार को तीन से गुणा किया बारह छः को बारह से गुणा किया बहत्तर इसी प्रकार अगला है एक कमरे के पर्स की लंबाई बारह मीटर व चौड़ाई आठ मीटर है कमरे का क्षेत्रफल तो का याद कीजिए तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई इंटू चौड़ाई तो बारह को आठ से गुणा किया तो ये होगा छन वर्ग मीटर प्रश्न नंबर उन्नीस नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए आकृति दे रखी है हमें इधर देखिए इधर से दो सौ मीटर पचास मीटर दो सौ और पचास एक आयत दे रखा है तो इन चारों को जोड़ लेंगे दो सौ दो सौ चार सौ चार सौ पचास और 500 सौ हो गए यानी लिखे 500 सौ मीटर इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ लेंगे आठ दो सोलह अड़तीस चौबीस चौबीस सेंटीमीटर अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उस पर उंगली लगाएं प्लेलिस्ट खुल जाएगी वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक हल करके डाल रखे हैं वहाँ से आप सभी कार्यपत्रक एक साथ देख सकते हैं धन्यवाद